दोस्तों, अब मैं जिस सूट को अनबॉक्स करने लगी हूँ, दिस इज़ D10 गंगा जमनी, इसका नाम दिया हुआ है। एंड मतलब ओनली टू कलर्स, सिल्वर एंड गोल्ड, जिसका ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है। एंड विच इज़ रियली सॉफ्ट, बहुत खूबसूरत है। एंड सबसे बढ़कर ये कि इसमें कपड़ा बहुत दिया हुआ है। मतलब जो चीज़ दिखाई है मारिया बी ने इस दफ़ा, आई एम रियली हैप्पी कि जो दिखाया उसने वो दिया ज़रूर है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ बेसिकली अंगरखा स्टाइल सूट, ठीक है जी। यू कैन सी कि इस तरह से ये अंगरखा बना हुआ है, तो उसमें डेफिनेटली कपड़ा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। सो उतना कपड़ा दिया गया है, माशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ टिशू एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट एंड बैक, 5.33 मीटर्स, ऑलमोस्ट 5.5 गज के करीब ये कपड़ा है। यू कैन सी हल्का सा सी थ्रो है, ज़्यादा सी थ्रो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसमें अंडर शर्ट तो लगेगी जो दी हुई है। सो दिस इज टिशू, ठीक है जी। ये ऑर्गेन्जा के मुकाबले में थोड़ा थिक होता है, बट उसी तरह से शाइनी होता है। तो ये पूरा 5.3 मीटर, एक छोटी छोटी सी बूटियाँ बनी हुई हैं और स्प्रे हुआ हुआ है सीक्वेंस का, मतलब क्योंकि कपड़ा इट्सेल्फ बहुत रिच है, तो उस पर वर्क बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिया। दिस इज़ रियली गुड। तो ये पूरा जो है 5.33 मीटर्स कपड़ा जो है फ्रंट एंड बैक के लिए है। देन दिस इज़ एम्ब्रॉयडर्ड जॉक, ये भी टिशू पे ही बनी हुई है, मतलब यू कैन से एस बॉडी जो अपर साइड पे यूज़ होगी है इस जगह पे, ठीक है, ऊपर जो यूज़ होगी। तो ये थोड़ा हैवी रोक दिया हुआ है। इसके साथ जो नेकलेस है, दिस इज़ उसकी नेक पे जो पट्टी लगेगी, ये 1 मीटर ये पट्टी दी हुई है नेक के लिए ऑर्गेन्जा पे। एंड जो उसकी ऊपर से नीचे तक, ये जो इस तरह से दोनों साइड्स पर अंगरखी के आती है पट्टियाँ, सो दिस इज़ गिविंग 2 मीटर ऑलमोस्ट, जो कि थोड़ी चौड़ी है, ठीक है जी। ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं इसके घेर की जो लेस है, जो कि ऑल्सो बहुत सारी दी हुई है माशाल्लाह। इस पर टोटल सिल्वर सीक्वेंस का काम है और साइडों में गोल्डन पट्टी सीक्वेंस, सॉरी गोल्डन और सिल्वर तिल्ला लगा के काम हुआ हुआ है। सिर्फ दो कलर्स का कॉम्बिनेशन, सिल्वर और गोल्ड, नॉर्मली अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मारिया बी ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि रियली बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये भी तकरीबन 5.5 गज के करीब लेस है फ्रंट और बैक दामन के लिए, क्योंकि घेर वाली फ्रॉक से स्टाइल में बनती है ये अंगरखा जो बनता है, तो उसका घेर अच्छा खासा होता है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं स्लीव्स पर। दीज आर नेट स्लीव्स, एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हैं, ये शोल्डर की तरफ का हिस्सा है। एंड ये देख लीजिए। एंड इसके साथ मोरी के लिए कटवर्क, सॉरी दैट वाज बैक, कटवर्क है और सीक्वेंस के साथ ही दिया हुआ। देखें इसकी झिलमिलाहट, देखें, लिटरली इट्स अ वेडिंग कलेक्शन। आप आराम से शादियों में पहन के जाएं, यू विल लुक रियली एलिगेंट एंड डिफरेंट, बिकॉज इट्स मारी अभी। ओके जी, स्लीव्स भी हो गई। देन हम आते हैं दुपट्टे की तरफ। सो दिस इज़ दुपट्टा, इस पर स्टोन वर्क हुआ हुआ है, ये छोटे 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 से स्टोन्स लगे हुए हैं इस पर पूरे दुपट्टे पे बहुत करीब करीब। एंड दिस इज़ ये फैब्रिक है जरी नेट, इसने पिछली भी पिछले साल भी एम्ब्रॉयडर्ड वेडिंग कलेक्शन जो आई थी उसमें ये दुपट्टे इसने यूज़ किए थे। जरी नेट दुपट्टे कहलाते हैं ये, इनमें जरी का धागा चला हुआ होता है और इनके ऊपर ये स्टोन्स लगे हुए हैं। उसके साथ ही चारों तरफ लगाने के लिए लेस दी हुई है, चौड़ी सी लेस है, ये देखें, क्योंकि दुपट्टा को इतना हैवी नहीं है और उसके ऊपर जब ये चारों तरफ ये लेस लगेगी तो इट विल रियली लुक ब्यूटीफुल।
ठीक है जी, ये दुपट्टा हो गया, दुपट्टे की लेस हो गई, एंड दिस इज जैकार्ड ट्राउजर। डल गोल्डन सा कलर है, ठीक है जी। एंड दिस इज अंडरशर्ट ग्रिप, सो रियली ब्यूटीफुल। ओके, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई कि जो इसके पैनल्स बनेंगे अंगरखे के, ये बेसिकली पैनल्स वाला है, तो उसके लिए भी ये 8 मीटर लेस दी हुई है उन पैनल्स पर लगाने के लिए। आई एम श्योर कि ये सिलने के बाद बहुत खूबसूरत लगने वाला है। सो एनीवन वांट्स दिस, डू लेट मी नो।